अभी हम लोग यहाँ पे बीड़ गांव की लोकल मार्केट में आए हुए हैं मटन मोमोज खाने के लिए। पैराग्लाइडिंग करने के बाद थोड़ी सी भूख लग गई थी, और जैसे कि आप देख लेते हैं यहाँ पर तिब्बतंस का काफ़ी इन्फ्लुएंस है इस एरिया में। दलाई लामा की फ़ोटो भी लगाई हुई है यहाँ पे, और पीछे आप ये देख सकते हैं तिब्बत का मैप भी है, सॉरी तिब्बत का फ्लैग लगा हुआ है तिब्बत का, और काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है यहाँ पर तिब्बत से। चाइना ने अटैक किया था तिब्बत पर, उसके बाद से काफ़ी सारे जो शरणार्थी भाग के आए, तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे सेटल डाउन हुए हैं। एक मेन प्लेस तो धर्मशाला है, उसके बाद यहाँ पे भी काफ़ी सारी कॉलोनीज उन्होंने अपनी बना ली है। और मोमोज जो खाने आप यहीं के खाओ, असली जो मोमोज होते हैं ऑथेंटिक जो आपको मिलेंगे यहीं पर ही मिलेंगे। तो मोमोज ऑर्डर किए हमने, मटन मोमोज, देखते हैं कैसा टेस्ट है। अभी जो मोमोज और सूप पी के आए हैं, जितना एक्सपेक्ट किया था उतना तो अच्छा नहीं था। मोमोज ठीक ठाक थे, सूप ज़्यादा कुछ खास नहीं बना हुआ था। कैसा था, मज़ा आया सूप पी के? I don't like it at all. मज़ा नहीं आया, ठीक ही था, बस खा लिया लेकिन टेस्ट कुछ भी नहीं आया। एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी शायद, इसलिए कुछ मज़ा नहीं आया उसको खाने में। ठीक है, तो अब हम मॉनेस्ट्री में जा रहे हैं। एक यहाँ पे मॉनेस्ट्री है आगे बीड की, उसमें जा रहे हैं, वहाँ चल के आपको दिखाते हैं। सो दिस इज़ द मॉनेस्ट्री हमारे पीछे, जो जिसकी हम बात कर रहे थे। हम लोग बीड मॉनेस्ट्री में जाने वाले हैं, और हमें लग ही रहा था कि मॉनेस्ट्री बंद होगी, और बंद ही है मॉनेस्ट्री। इसको कोविड सेंटर में कन्वर्ट कर दिया है। जो आसपास के एरिया के जो कोरोना वायरस के केसेज आ रहे हैं, वो यहाँ पर आइसोलेशन के लिए उनको रखा जाता है। और साथ साथ में आप लोग हमारे देख सकते हैं इतने सारे झंडे लगाए हैं, और काफ़ी मतलब कलरफुल सी है मॉनेस्ट्री है ये, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। फ़ोटोज़ हमने यहाँ पे क्लिक करवाई है एक दो। ये मॉनेस्ट्री है पालपू मॉनेस्ट्री, हम यहाँ पर भी आए हैं, ये भी बंद पड़ी है अभी। तो दोनों मॉनेस्ट्री जहाँ पर हमने विजिट किया, दोनों की दोनों कोविड की वजह से बंद पड़ी हुई है। दोनों की दोनों मॉनेस्ट्री जो हमने विजिट किया, दोनों बंद पड़ी है कोविड 19 के वजह से। तो अब हमारा नेक्स्ट डे होगा बड़ौत वैली में। बीड को हम लोग अलविदा कहते हैं और बड़ौत वैली की तरफ चलते हैं। वहीं आज रात का हम लोग स्टे करेंगे, और वहाँ की बहुत फेमस ट्राउट फिश है, आज डिनर में हम लोग वो ट्राई करते हैं रात को। बड़ौत के रास्ते हम लोग जा रहे थे यहाँ से बीड से, और रास्ते में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पाइप दबा रहे हैं, उसकी वजह से थोड़ा डिगिंग की हुई है, तो पूरा जाम लगा हुआ है यहाँ पे रास्ते में। और जो ये रास्ता था पूरा बीड से लेके बड़ौत तक का, जो हम आ रहे हैं अभी कुछ 10 किलोमीटर बचा हुआ है आगे, बहुत ही ख़राब रास्ता है, टूटा फूटा हुआ है, इसलिए काफ़ी टाइम लग गया हमको आने में। ये नीचे काम चल रहा है यहाँ पे, JCB लगी हुई है खुदाई में पाइप को लेवल करने के लिए। Thank you.
बड़ौत वैली में हम लोग आ गए हैं और हमने ये एक टेंट लिया है तीनों के रुकने के लिए। सो दिस विल बी आवर स्टे आज रात के लिए। और हमारा आज का रात का स्टे यही होने वाला है। और हम लोगों ने पीछे भी पता किए थे जो तीन चार इन्होंने टेंट साइट जो बना रखे हैं, लेकिन अभी बोल रहे हैं कि वीकेंड होने की वजह से, सैटरडे संडे की वजह से पूरे के पूरे फुल हो गए हैं। ये हमें खाली मिला है, कोजी नेस्ट के नाम से है ये जो टेंट है, और तो 1000 रुपये में हमको मिला है। पीछे जो हमने पता किए थे वो 2000-2500 के रेंज में थे, थोड़े से इससे बेटर थे। कल फिर हम लोग निकलेंगे यहाँ से राजगुंदा ट्रैक या फिर जो आसपास में और ट्रैक है या फिर आसपास की जो जगह है और वो एक्सप्लोर करेंगे। फर्स्ट टाइम मैं आ रहा हूँ बड़ौत में, तो आज के लिए बस इतना ही। आज का हमारा यही दिन ख़त्म होता है, कल आपको दिखाएंगे जो हम लोग उठते हैं। बगल में हमारे ऊल रिवर है जो यहाँ पे बड़ौत में साथ में हमारे बह रही है, वो हम आपको दिखाएंगे। उसकी पूरी रात आज हम शोर सुनेंगे, काफ़ी अच्छा लगता है सुनने में। डे हमारा आज का यही ख़त्म है, मिलते हैं आपसे कल। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक्स फॉर योर टाइम।